वायर और स्मॉल असला स्टूडेंट्स माई नेम इज उसामा उरेवाल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोमीटर गॉज इन आर सेकंड लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज द माइक्रोमीटर गॉज आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर सिक्र गॉज की और देखेंगे कि हम माइक्रोमीटर गॉज को यूज करके एरिया ऑफ ऑफ वायर और स्मॉल सफियर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको माइक्रोमीसिक्रॉज की तस्वीर दिखाई गई है और इसमें इसके इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है जिस तरह से वर्नियर गैलिपर के प्रैक्टिकल में हमने हमने बात की थी, और की थी और और वर्नियर को यूज़ करने से पहले उसको ऑब्जर्व किया था उसकी लीस्ट काउंट की बात की थी और उसके जीरो एरर की बात की थी सेम उसी पैटर्न पे और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज हम माइक्रोमीट्रिक गॉर्ज के लीस्ट काउंट की बात करेंगे और उसमें से जीरो एरर भी निकालेंगे जिस तरह हमारे पास वर्नियर के केस में जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव थी इसी तरह यहां पे भी हम पॉजिटिव और और एरर को डिस्कस करेंगे देखेंगे कि हम माइक्रोमीटर गॉज में जीरो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आइए अब हम माइक्रोमीटर गॉज की लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास माइक्रोमीटर गॉज पड़ा हुआ है और वर्नियर कैलिपर की तरह हमारे पास यहाँ पे माइक्रोमीटर गॉज में भी दो स्केल हैं एक आपका लीनियर स्केल है जो कि आपको मिलीमीटर में आंसर देगा दूसरा आपके पास सर्कुलर स्केल है जिसके हमारे पास फिफ्टी नंबर ऑफ डिविजन है माइक्रोमीटर गॉज का लीस्ट काउंट निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ गॉज डिवाइडेड बाई द सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है अब सवाल ये पैदा होता है कि पिच क्या होती है स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक लीनियर स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है एक प्रिकॉशन है इस प्रैक्टिकल की कि आपने कभी भी माइक्रोमीटर सिक्रॉज को यहां से कट के रोटेट नहीं करना इस पॉइंट से रोटेट करना है और इस पॉइंट को हम रेटिच कहते हैं पिच ऑफ गॉज की अगर बात करें तो एक बार पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद 50 नंबर ऑफ विजन कंसाइड करने के बाद आपका सर्कुलर स्केल जितना डिस्टेंस कवर करता है आपके मेन स्केल के ऊपर या लीनियर स्केल के ऊपर उसे हम पिच कहते हैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में आपका माइक्रोमीटर सिक्र गॉज पॉइंट फाइव मिलीमीटर mm, मूव करता है ऑन योर लीनियर स्केल इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे माइक्रोमीटर सिक्र गॉज की जो पिच है वो पॉइंट फाइव मिलीमीटर है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन फिफ्टी हैं तो पॉइंट फाइव को डिवाइड करेंगे फिफ्टी से तो जो आंसर आएगा वो हमारी लीस्ट काउंट होगी माइक्रोमीटर गॉज की जो कि हमें मिलीमीटर में मिली मिलेगी जो कि 0.01 मिलीमीटर या

जीरो एरर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोमीटर सिल्किर गॉज में जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए आपने सर्कुलर स्केल को रेटेज पॉइंट से रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद जहाँ पे आपको रेटेज पॉइंट से आवाज आने लगे लाइक दैट वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है इसका मतलब है कि आपके दोनों जाज क्लोज हो चुके हैं अब आपने ये देखना है कि आपके लीनियर स्केल की इंडेक्स लाइन और आपके सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपके सर्कुलर स्केल का जीरो और इंडेक्स लाइन दोनों अलाइन हो रहे हैं देन देर इज नो जीरो एरर लेकिन अगर आपके सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे मूव कर रहा है तो एरर पॉजिटिव होगी और अगर वो जीरो ऊपर मूव करेगा तो एरर नेगेटिव होगी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे केस में सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से ऊपर है तो हम इसे नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस तरह से कि ज़ीरो से लेके इंडेक्स लाइन तक जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कि कितने नंबर ऑफ डिवीजंस इंडेक्स लाइन से दूर है या इंडेक्स लाइन से ऊपर देखेंगे और काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिवीजंस इंडेक्स लाइन से ऊपर जीरो है वन टू थ्री फोर हमारे केस में फोर नंबर ऑफ डबीज के बाद आप जीरो को कंसाइड करते हैं तो हम इस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट यानी 0.01 मिलीमीटर से जो हमारी एरर आएगी वो नेगेटिव होगी 0.04 मिलीमीटर mm, और उसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी 0.04 मिलीमीटर जिसको हम अपने फाइनल आंसर में ऐड अप करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें जीरो एरर जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंट पैटर्न शो किए गए हैं हमारे केस में जो हमारी जीरो एरर है वो भी दिखाई गई है और कैसे हम मैर कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं हमारे केस में जीरो एर जीरो फोर मिलीमीटर जो कि नेगेटिव है और उसकी करेक्शन मिलीमीटर है हम जीरो फाइंड आउट करने के बाद और लीस्ट काउंट की बात करने के बाद वी आर रेडी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रोस्ट ऑफ वायर अब देखते हैं कि हम माइक्रोमीटर सिक्री गॉज को यूज करके एरिया ऑफ क्रोस्ट ऑफ वायर कैसे निकालते हैं वायर को जाज में कैप्चर करने के बाद आपने बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी स्टेप्स के मुताबिक चलना है जैसे आपने वर्न कैलिपर के प्रैक्टिकल में किया था हमने वर्णित कैलेपर के प्रैक्टिकल में भी टू स्टेप्स में रीडिंग मैयर की थी स्टेप वन में हमने मेन स्केल की रीडिंग देखी थी और स्टेप टू में हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग देखी थी यहाँ पे हम स्टेप वन में अपने मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे या लीनियर स्केल की और स्टेप टू में सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखेंगे आपका मेन स्केल का हर एक डिवीजन आपको वन मिलीमीटर को शो करता है लेकिन अगर आप और से देखें तो हर एक मिलीमीटर के दरम्यान में डाउन बॉटम लाइन पे एक मिलीमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि पॉइंट फाइव मिलीमीटर बनता है अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त जो आपके मेन स्केल या लीनर स्केल की रीडिंग शो हो रही है वो पॉइंट फाइव मिलीमीटर है स्टेप वन के बाद हम स्टेप टू की बात करते हैं जिसमें हमने सर्कुलर स्केल डिवीजन देखना है कि, कि वो कौन सी नंबर थे लाइन है आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो कि इंडेक्स लाइन से कंसाइड कर रही है विच इज इक्वल टू अलेवन अलेवेंथ लाइन आपके सर्कुलर स्केल की जैसा कि आप देख सकते हैं कंसाइड कर रही है आपकी लीनियर स्केल से या आपकी इंडेक्स लाइन से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से जो हमें आंसर देगा जीरो पॉइंट वन वन मिलीमीटर अपने फाइनल स्टेप में अपनी लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को एडअप करेंगे जो आंसर हमारे पास आएगा वो 0.61 मिलीमीटर mm होगा अपने लास्ट स्टेप में लास्ट कॉलम में टेबल के मुताबिक करेक्ट डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें जीरो करेक्शन को एडअप या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे केस में जीरो एरर नेगेटिव थी इसलिए वो ऐड होगी 0.04 को हम ऐड करेंगे 0.61 मिलीमीटर mm में तो हमारे पास जो फाइनल करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर जो आएगा वो 0.65 मिलीमीटर mm होगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल में मेन स्केल स्केल पे या स्केल पे या 0.5 मिलीमीटर की रीडिंग आई है और जैसा कि ड्यूरिंग का कंसाइड कर रहा है इंडेक्स लाइन के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से जो वैल्यू आई वो पॉइंटर है अपने जो आंसर आता है वो पॉइंट मिलीमीटर है करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए हम अपने लास्ट कॉलम में जीरो करेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे केस में जीरो एरर नेगेटिव थी जो कि जीरो पॉइंट जीरो फोर मिलीमीटर है उसको हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल और करेक्ट डायमीटर आया वो पॉइंट सिक्स फाइव मिलीमीटर है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम मजीद तीन रीडिंग्स भी लेंगे जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वर्नियर कैल में मेन स्केल की रीडिंग कभी भी चेंज नहीं करती चाहे आप जितनी बार भी रीडिंग ले लें उसी तरह माइक्रोमीटर सिक्री गॉज में भी आपने जब एक वायर को यूज किया है तो आपकी जो लीनर स्केल की रीडिंग पॉइंट फाइव मिलीमीटर आई है वो आपकी सेम रहेगी चेंज नहीं करेगी लेकिन जो चेंज करेगी वो आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं चारों रीडिंग्स लेने के बाद हम इन चारों के डायमीटर को एडअप करके चार पे डिवाइड करेंगे जो हमें मीन डायमीटर देगा

हमारी लीनियर स्केल की रीडिंग 6.5 मिलीमीटर फाइव है आइए अब देखते हैं कि स्टेप टू में सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या शो होती है यह आपकी इंडेक्स लाइन है इस इंडेक्स लाइन के साथ आपका थर्टी फर्स्ट डिवीजन कंसाइड कर रहा है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और हमें आंसर मिलेगा पॉइंट थ्री वन मिलीमीटर अपने फाइनल स्टेप में बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसा कि आपने लास्ट टेबल में देखा कि हम अपनी लीनर स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग दोनों को एडअप करते हैं और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.81 मिलीमीटर mm है करेक्ट डायमीटर ऑफ सफायर फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें जीरो करेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे केस में जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एरर नेगेटिव 0.04 मिलीमीटर थी उसे हम ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल करेक्ट डायमीटर है इस सफायर का वो 6.85 मिलीमीटर mm आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स और हमने रीडिंग में भी देखा के मेन स्केल पे या आपके लीनियर स्केल पे जो आपकी रीडिंग आती है वो 6.5 पॉइंट mm मिलीमीटर है सर्कुलर स्केल डिवीजन में आपका थर्टी फर्स्ट डिविजन साइड कर रहा है उसको आपने काउंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको 0.31 थ्री वन मिलीमीटर आंसर मिला मैंने आपको बताया कि अपने फाइनल स्टेप में हम अपनी लीनियर स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग दोनों को एडअप्ट करते हैं जिससे हमें आंसर मिलता है सिक्स पॉइंट एट मिलीमीटर करेक्ट डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें जीरो करेक्शन को ऐड या सब करेंगे और उसके बाद हमें जो फाइनल और करेक्ट डायमीटर मिलेगा वो 6.85 मिलीमीटर mm है इसी पैटर्न पे हम मजीद तीन रीडिंग्स इसी सफियर की फाइंड आउट करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और उसके बाद जो हमें चार करेक्ट डायमीटर मिल रहे हैं उन चारों को हम एडअप्ट करेंगे और फोर पे डिवाइड करने के बाद चार पे डिवाइड करने के बाद मीन डायमीटर निकालेंगे और मीन डायमीटर को यूज करके हम बाई डिवाइडिंग बाई टू करके रेडियस निकाल सकते हैं नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास रेडियस आ चुका है इस रेडियस को यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सफियर सकते हैं यूजिंग फार्मूला स्टूडेंट्स आज हमने माइक्रोमीटर गॉज को यूज करना सीखा और हमने यह सीखा कि कैसे माइक्रोमीटर गॉज को यूज करके एरिया ऑफ ऑफ वायर निकाल सकते हैं और कैसे हम इसे वॉल्यूम ऑफ सफियर निकाल सकते हैं इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल पेंडुलम के बारे में बात होगी तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज